तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। वो भी गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि भाई आप अपने जो पीसी के जो अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और हमारा जो है वाईफाई वगैरह हॉटस्पॉट जो है स्लो चलने लगता है, नेट वगैरह खत्म हो जाता है, तो गाइस हम उसे अपडेट को डिसेबल कैसे करें जब हमारा मन हो तभी वो अपडेट हो, अपने मन से कभी भी अपडेट ना हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने आ रहा हूँ कि आप कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एंड गाइस जब तक मेरा आप इंट्रो देख लीजिए। तो ओके गाइस, आपको अपने अपडेट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस सबसे पहले आपको जो है अपने सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है, जो आपको दिख रहा होगा इधर, आपको उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली गाइस सर्च करना है सर्विस। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे सर्विस जो है सर्च कर दिया है, ये आपको सबसे टॉप पे दिख जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा इसे आप फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। ओके गाइस, ये देख सकते हैं आप इतने सारे जो हमारे एप्लीकेशन आ रही है, लेकिन हमें एक एप्लीकेशन जो है ऑफ करनी है जो कि हमारी ऑटोमेटिक अपडेट को इसका रन कर देती है, उसे आज हमें ऑफ करना है। तो गाइस हम नीचे चलते हैं, भाई ऐसे नीचे जाएंगे तो कल दो दिन तो बीत ही जाएंगे, इसलिए हम अपने ये जो आपको ये दिख रहा है स्क्रॉल वाला इसे हम बिल्कुल नीचे ले जाते हैं। तो भाई ओके, मैं एकदम बॉटम में इसे लेके आ चुका हूँ। ओके, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी दिख गए होंगे, बहुत ज़्यादा ये ऑप्शन है। एंड गाइस ये जो आपको ये देखिए, आपको ये जो दिख रहा है ना विंडो अपडेट नाम का एक जो ऑप्शन है सबसे नीचे है होगा गाइस, आप अगर देखो तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस पर डबल क्लिक या आप एंटर भी मार सकते हैं, एंटर मार दीजिए, इस एप्लीकेशन को हमें ऊपर करना है। देखिए भाई, तो गाइस आप समझ ही गए होंगे, ये देखिए दो जो हमारा ये है ये ऑटोमेटिक पे है, इसका मतलब गाइस जब भी हम अपना नेट वगैरह ऑन करेंगे हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये जो अपडेट है वो ऑटोमेटिक ही हमारा रन हो जाएगा बेफालतू के, इसका ना हमें कोई जरूरत भी ना हो फिर भी हो जाएगा। तो इसे ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है डिसेबल पे कर देना है। डिसेबल पे करने के बाद आपके जो सब अपडेटिंग है ऑफ हो जाएंगे, जब आपका मन हो तो आप ये जो आपको सर्विस स्टेटस दिख रहा होगा रनिंग वगैरह ये स्टार्ट से आप जाके इसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें करना है डिसेबल। तो गाइस यहाँ पे डिसेबल मैंने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, फोर्थ ऑप्शन है, एंड यहाँ पे आपको ये ओके पे दिख रहा होगा सबसे नीचे कैंसिल अप्लाई वाले, हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे या आप अप्लाई पे भी कर सकते हो, मैं अप्लाई पे कर देता हूँ। ओके ओके गाइस, देखिए हमने यहाँ पे इसे अप्लाई कर लिया है। अब अप्लाई इसलिए होता है ताकि ये अभी बैकग्राउंड में ना चले, हमें फिर से ओपन ना करें, ओके कर देते हुए बैकग्राउंड में चले आता। ओके देखिए हमारा जो अपडेट है ऑफ हो चुका है, इसके बाद आपका कोई भी अपडेट जो है रन नहीं होगा, इतना मैं आपके गारंटी से कहता हूँ। तो गाइस ये ट्रिक आप भी जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, इस ट्रिक में मैं आपको यही बताने वाला था कि आप कैसे ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को टेंशन भी होती थी कि भाई ये कैसे होएगा, तो गाइस इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप मेरे को कमेंट में सजेशन दीजिए कि भाई मेरे को और ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।